गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई रात को कल तो हम ठीक जल्दी सो गए थे, लेकिन आज सुबह उठने का मन नहीं था यार। ठंड थी अच्छी ही और उठने का इसलिए मन नहीं था। मौसम सुबह का भाई अल्टीमेट मौसम हो रखा है। अभी नहा धो के शिमला निकलेंगे। ये जंगल रिसोर्ट है, बहुत बढ़िया रिसोर्ट है यार। खाना वाना सब बढ़िया था, शानदार। बस इसके चक्कर में हम जो कल फंसे ना, वो बहुत बुरा था। वीडियो बना नहीं पाए वहाँ की। भाई हमें रहती टेंशन, अब वीडियो कौन बनाए उस टेंशन में। वहाँ गाड़ी फंस गई, उसमें गाड़ी फंसने के बाद वीडियो बनाए कौन बनाएगा वहाँ। इसलिए हमें तो गाड़ी निकालने की फुर्सत नहीं थी। दो बंदे थे भाई निकालने वाले, मेरे को चलानी पड़ी। जीजा जी ने पुश भी किया गाड़ी को थोड़ा, जब जाके कहीं बात बनी थी। लेकिन भाई और भी पूरा जंगल है, पूरा जंगल। यहाँ एक दो और रिसोर्ट है, वो छोटे हैं, लेकिन ये वाला ना रिसोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिसोर्ट है। कभी आओ तो इसमें ज़रूर आना, ज़रूर। खाना वाना सब बढ़िया है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जहाँ जो नॉर्मल होता है ना सभी जगह, अब 3-3.5 हज़ार के आसपास में अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। साथ में भी अभी उठ गया। भाई ये भी बड़ा खुश हो रखा घूम के, घर पे भी खुशी रहता है। घर से बाहर निकाल दो तो ये खुश है, घर के अंदर रख दो तो ये दुखी। चलो भाई नहा धो के तैयारी करते, थोड़ा जल्दी निकलेंगे। पहले कुफरी होके फिर शिमला माल रोड घूम के, तो शाम तक हम ये लगा लो 4 बजे के आसपास तक यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि रात को 12-1 बजे हम घर पहुँच जाए। चलो तैयारी करते हैं, नहा धो के फिर मिलते हैं आके। भाई अब निकलने की तैयारी करेंगे, एक बार ब्रेकफास्ट कर लें फिर उसके बाद निकलते हैं। सारे तो हो गए तैयार, लिफ्ट 3rd फ्लोर पे है हमारा। ये सही इनका भाई, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं आके। खा लिया सनाया? सनाया खा लिया आपने खाना? मामा पूछ रहे हैं। और आपके चेहरे पे जैम कैसे लगा हुआ है? और बिना खाए? मैं इसने खाया नहीं, खाया नहीं और फिर भी लगा लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। ये इसकी प्लेट है, ये सबकी प्लेट है। ठीक, एक सच्चे बॉडी बिल्डर की तरह इसने योक नहीं खाया, एग वाइट खा लिया। क्या हो गया? नहीं हुआ कुछ नहीं है, ये हेल्थी हो, कोई हेल्थी था सेट भी खाना था तुम तो। नहीं, 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 गंजे को कौन है? ब्रेकफास्ट भी बड़ा स्वाद था भाई इनका। और कितनी सारी वैरायटी, वैरायटी सारे पोहा था, छोले पूरी थी, चीला, नॉनवेज में अंडे आमलेट थी, चिल्ला था, और जूस था, कॉफी थी, टी थी, एप्पल थी, और सैंडविच थे, कर्ड पराठा, मतलब बहुत चीज़ें थी भाई। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। डिनर भी इनका बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, ब्रेकफास्ट भी, दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी थी भाई इनकी। हमने इसको रेटिंग दी 5.5, पूरा फुल रेटिंग है इनकी। खाने में भी, रहने में भी, सर्विस में भी, हर एक चीज़ के उसमें फुल रेटिंग है इनकी। बहुत बढ़िया है सारा होटल। आओ इस साइड ना एक बार रुक के, मतलब 2-1 दिन रुकना चाहिए वैसे, जब मज़ा आता है 2-1 दिन रुको, जब आएगा मज़ा। और ये देख लो इसको, नीचे पूरी भी खाया, फिर इसका क्लेश चालू, दूध चाहिए। लो अब इसको फोन चाहिए, दादा तो बात कर ली तो दादा के पास जाना इसने, है ना। निकलने की तैयारी करते हैं, चलते हैं कुफरी, कुफरी से शिमला, शिमला से हमने घर, रात को लेट पहुंचेंगे। रोतड़ा हे रोतड़ा हे रो 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 हे रो हे रो। चलने की होगी तैयारी भाई, ड्रोन की फुटेज बना दी है। हवा चल भाई, बहुत बढ़िया ड्रोन है, बहुत बढ़िया फुटेज बना है।
बस थोड़ी वाइस रिसोर्ट में की यही कमी है इनका, रोड जो है ना वो बहुत अच्छा है, बड़ा एडवेंचर वाला रोड है इनका। हाँ सीधा सीधा है, हाँ सीधा 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 अब पता नहीं था, नहीं हम घबरा गए थे इस रास्ते पे, थोड़ा रास्ता भाई इनका सारा ही खराब है, कह रहे हैं कि बनने लग रहा है अभी इनका। मनाली में भी है इनके दो तीन, बता दो मनाली में, मनाली में दो तीन है इनके और यहाँ है। हाँ बस रिसोर्ट प्रॉपर्टी अच्छी है, हाँ एक पॉइंट इसी चीज का घटाया ना, खाना पीना रहना सब बढ़िया सब फिट, बस यही दिक्कत थी। कुफरी आ गए लेकिन रुकने का कोई मन नहीं, खाली पड़ा है कुछ स्पेशल नहीं, स्नोफॉल के लिए फेमस है खाली, वो हो नहीं रही है तो दिसंबर के लिए आएंगे उसमें, तो काम का भीड़ जरूर बन रही है सारी के। सुबह सुबह टाइम ही क्या हुआ, 11:30 आके पहुंच गए सारे, कर क्या कुछ नहीं कर रहे यार, खाली खड़े सब के सब, गाड़ी खड़ी सारी याद दे दो, वो है बुकिंग बुकिंग वाले याद करते घूमे सबने, रोक लो ये चल रहे। अच्छा ये ऊपर होगा ना वो क्या नाम है, ग्राम पंचायत कुफरी से मैं आपका स्वागत है, कच्चर ऊपर लेके जाते हैं कोई पार्क वगैरह, वहाँ 10 रुपए रिक्शा के हैं, पता नहीं इनका कोई सफाई वफाई के 10 रुपए मांग रहे हैं और ऊपर जाने के हैं क्या है एडवेंचर वगैरह कुछ। हम तो चलो शिमला ही निकलते हैं माल रोड पे, भाई आगे देखो बादल नीचे, बादल नीचे आ गए हैं और वो ऊपर जा रहे हैं अपने घर, हम बचपन में कहते थे ये जा रहे हैं पानी लेने, पानी लेके आ रहे हैं, आधा घंटे का जाम साथ एक, मैं तो भाई पैदल चल पड़े घूमने के लिए, गाड़ी में हो गए और बैठे बैठे आधा घंटे का जाम दिखा रखा शिमला वाले रास्ते पे, अब देखते हैं, वैसे तो रास्ता सारा ही आधा घंटे का है लेकिन 1 घंटा लग जाएगा हमें वहां तक पहुंचने में, बहुत जाम है। चल हो गया शिमला बैठे, शिमला मेरे बैठे, आधा घंटे का जाम था अभी निकल के आया, रेड लाइट के चक्रों में हो रहा था लेकिन काफी भीड़ वगैरह है उसमें, माल रोड पे देखते हैं कितना क्या रश वगैरह अभी। ये भाई कोई नया रास्ता बना शिमला का माल रोड का, पीछे से जब मतलब कुफरी से आते हैं तो पीछे ही हमने गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से ही पैदल जाके और आते तो बता रहे हैं कोई दोनों साइड जाओ आते हो, अगर आपको रोड पे जाना तो भी इसकी हिमाचल रोड पे इसकी टिकट वाली बस चलती है 20 रुपए पर पर्सन, मॉल रोड एंट्री पे उतारेगी और वहां से वापस लेके आएगी, आते वक्त हम ट्राई करेंगे अगर थक गए तो, नहीं तो फिर अपने पैदल आगे हम गाड़ी लेके सीधा फिर दिल्ली निकलेंगे। ये वाली वो गाड़ी है एम्बुलेंस जैसी गाड़ी बना रखी है, गाइस की कमर भर गई है, हाथ भी भर के सारी समस्या आ गई, ये रास्ता वैसे ठीक नहीं है भाई इससे मत आना, काफी लंबा पैदल जाना पड़ेगा, या अपने 20 रुपए की गाड़ी करो उससे आओ, और नहीं तो और नीचे दूसरी पार्किंग है, ये धोखे में हमें ऐसे आए हैं यहाँ से, नहीं तो पार्किंग से आना था, देखा वो पार्किंग सही थी वैसे, वहां खड़ी करो लिफ्ट से ऊपर आओ छुट्टी, अब यहाँ से गाड़ी करके जाओ वो दूर पैदल आगे मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर तक लिए, अपना फिटनेस वाली ऐप खोलो वो बता देगा आप कितनी दूर चले हो, मेरे घड़ी कहने वाली है थोड़ी देर में आके आप उस पे वॉक कर रहे हो तो चालू कर लो आपका टारगेट पूरा, हाँ शायद पहुंच गए। माल रोड है, माल रोड पे लक्कड़ बाजार, लक्कड़ मार्केट में आए हैं, मतलब पीछे वाला रास्ता था जहाँ से हम आए हैं ना, वहाँ पीछे गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ से आए हैं, नहीं तो हम पहले आते थे जो माल रोड मेन है वहाँ से आते थे, लिफ्ट से नीचे पार्किंग थी उससे आ रहे थे, अबकी बार जीजा लेके आए पीछे से, पीछे वाले रास्ते से और ये लक्कड़ मार्केट है, लक्कड़ मार्केट में होके अब आगे उसमें जाएंगे माल रोड पे, माल रोड आगे भाई। लेकिन हमें मैं काफी बार आ चुका, मेरे को कुछ अलग सा नहीं दिखता, अबकी बार वो रास्ता अलग दिखा था बेकार रास्ता, इतनी दूर पैदल आए नीचे से पार्किंग में आते तभी फिटता भाई, बहुत भीड़ होगी, बहुत ज्यादा भीड़ है,
ये पहचान है आपकी। सात्विक का नया काम चालू हुआ है, रैबिट वाला। रैबिट वाला जो पहाड़ों में फोटो खिंचवाया है, रैबिट लेके सात्विक ने लेके फोटो खिंचवाए हैं। लेकिन सात्विक ना रही नींद, सात्विक क्यों जा किसी के पास, सात्विक का रोना चालू। लेकिन भाई कोई खास अभी का मौसम नहीं है, मतलब फोग ज्यादा है, आने का कोई मजा नहीं है, इसलिए मजा तो है बट मतलब फोग है तो फोटो वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, बस ये है। तो हम थोड़ी नीचे ही मार्केट देख के फिर निकलते हैं अब यहाँ से। भाई परेशान हो गए थे, इतनी दूर गाड़ी खड़ी करवा दी, वहाँ तक पैदल चले तो गए थे लेकिन वापस आने का वो नहीं था, और बस के इंतजार में खड़े हो गए तो बस में इतनी भीड़ थी, दो बस के इंतजार किया, दोनों में भीड़ इतनी थी। अब सबको वहीं छोड़ के मैं खाली गाड़ी लेने आया हूँ, गाड़ी लेके निकलते हैं घर, मिलते हैं फिर एक अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, थैंक यू।